हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों से जुड़े कुछ फैक्ट्स जानते हैं। दोनों परमाणु बमों के फटने से कुछ समय इनके आसपास के 4-5 किलोमीटर के दायरे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर और दूसरा सिर्फ इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा बम के धमाके में लगभग 15 अमेरिकी भी मारे गए थे। इस बात का पता अमेरिका को 1970 में लगा। परमाणु बमों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी के लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1 लाख लोग तो बम गिरते ही मारे गए थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए तिल तिल कर कर मारे गए थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि परमाणु बम क्या है और इसके क्या नुकसान है।